तो मैं लाई जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो मैं ये कद करी जाऊंगा ते अगे नु जना ट्रैक्टर खड़ी जाऊंगा। ये देखें ट्रैक्टर भी मैंने खड़ा हुआ है, यहाँ का ठेकेदार मैं हूँ। वाओ वेरी नाइस कद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप लोग मुझको नहीं जानते ना मैं तुझको जानता हूँ। तो गाइस एक बार फिर मैं आ गया हूँ गोंदर रोड के लिए पनीरी पुटने, क्योंकि ये ठेका फिर मुझे मिला है। पिछली बार मैंने ठेका लिया था हजारों में, इस बार मुझे ठेका मिला है डॉलरों में। 200 मिलियन डॉलर का मैंने ठेका फाड़ लिया है गोंदर रोड के लिए। तो मैं पनीरी पुटन लगा हूँ, ये मैंने पुट ली है, काफी ज्यादा पनीरी चाहिए है उसे। ठीक है, मैं सुबह का लगा हुआ था, मैंने यहाँ चलो उन आपको वीडियो में दस देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को शेयर भी करिए। तो मैं पुटन लगा हूँ यार, बड़ी मेहनत वाला काम है। वाओ वेरी नाइस पनीरी, करोड़ों का ठेकेदार। ये देखें लग भी गई है नेड़े थी यार। तो मैं कहता हूँ यार इतनी बड़ी है, ये पहले मुका लेता हूँ, जाके ला लेता हूँ, बाद में और पुटूंगा। तो आ जाए रोड की तरफ चलते हैं पनीरी लेके, आ जाए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपने गोंदल रोड पे पनीरी लेकर। तो मैं पहले नंबर पे यार ऐनक ला लेता हूँ, ये देखे मैं तो अपने आप को स्टाइलिश लावा लगता पाया हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ, ऐसा करता हूँ। सो इधर से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ देखे ना काफी नरम और मुलायम कद किया हुआ, कद वाले ने मेरी बात को फुल जो है ना एंटरटेन किया, समझा, दिमाग में बिठाई थी गल। तो गोंदर रोड के बहुत फायदे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ वाओ वेरी नाइस मुंजी, वाओ ये देखें गाइस, ओले मैं लांदा पिया हूँ, ये तो जाड़ा भी फड़ी जाती पी है। वाओ देखो गाइस मैं मुंजी लगाई जाता पिया हूँ, ये जाड़ा फड़ी जाती पी है। नाल नाल यार हो सकता है इसको ला के मैं घर जाऊं तो पीछे यार इसके मुंजरा भी पै जाए। तो देखें इस रोड के बड़े फायदे हैं, यहाँ मुंजी भी लगाई जाती है, ठीक है, उसके बाद कणक भी राई जाती है, ठीक है, उसके बाद दुआने की वेला भी लाई जाती है गोंदर रोड पे, ठीक है। तो गोंदर रोड के बहुत फायदे हैं, तो इसलिए मैं ठेका इसका पकड़ता हूँ और कोई भी नहीं पकड़ता गोंदर रोड का। खास करके मुझे चपराल रोड से ऑफरें आ रही हैं कि हमारे रोड का जो है ना ठेका फड़ो। तो मैं कहता वह पहले मैं अपने रोड का कुछ करूंगा, यहाँ मुझे लाऊंगा सही तरह, तो फिर मैं आपके रोड का ठेका फड़ूंगा। तो गाइस चलो आप ही बता दें कि मैं आपके चपराड़ रोड का ठेका फड़ूं या ना फड़ूं। जब वहां मशीन आई थी और नट गई थी मशीन वहां खड़ोती रह गई, रोड थोड़ा सा बना था, निशानियां निशूनियां लगियां, ठिया शिया नाले नस गए थे। तो आप मुझे बताएं यार, मैं यहां से फारग होकर अपनी मुंजी लगाकर तो आपके रोड का ठेका फड़ लूं या नहीं। यहाँ वैसे यार बहुत ही फसल होती है, हमारे रोड का जो है ना चर्चा ही बहुत है गोंदर रोड का, यहाँ का ठेकेदार मैं हूं। तो गाइस वो वाला खत्ता मैं लाया हूं, यानी कि एक किला तो मैं आगे आ गया हूं। ये देखें वाओ वेरी नाइस कद। जो आपको नहीं ना पता कि मुंजी केंज लाते हैं जिन लोगों को, मैं उनको दसता हूं। ये देखें कतार में रख के लानी है, ठीक है ना। तो कौन कहता है यार, मैंने सुना है लोग कहते हैं तुम्हारे रोड का कोई फायदा नहीं। मैं कितने फायदे दसूं यार अपने गोंदर रोड के। यहाँ सबसे बड़ा फायदा मुंजी बहुत होती है, ठीक है, उससे छोटा फायदा कणक बहुत होती है, उससे बड़ा फायदा जब बारिश आती है तो पानी बहुत ज्यादा आती है, ड्रमों के हिसाब से यार, किलों के हिसाब से, यानी के बहुत पानी आती है, ठीक है। और तो और क्या गाइस, एक और फायदा मैं आपको दसूं, जब बहुत ही पानी आती है ना यहाँ, बहुत ही बारिश आती है तो मच्छी बहुत आती है, सोल के कान आते हैं यहाँ, ठीक है, वो भी हम पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से हम लंघते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर छंड पैती है यार उड़कर पानी की चीखड़ की, तो उंज तो हम नहाते नहीं, हम परहेज करते हैं सर्दियां हो या गर्मियां। लेकिन जब ये सारा कुछ ऊपर डिगता है हम नहा लेते हैं, हम साबुन भी घोर लेते हैं। ये फायदे हैं यार इस रोड के, गोंदर रोड के बहुत फायदे हैं, मैं आपको बताता चलता पाया हूँ। आप भी यहाँ से फायदा ले आए फटोफट, जिसने मेरे नाल हेल्प करानी है कराए हैं, बड़े किले रहते पे हैं, मैं लाई जाऊंगा, टेंशन ना ले आप। अब शेयर करें वीडियो को। तो गए जाऊं जाऊं यार किला लगी जाएगा, आऊं आऊं मैं ये कद करी जाऊंगा ते अगे नु जना ट्रैक्टर खड़ी जाऊंगा। ये देखें ट्रैक्टर भी मैंने खड़ा हुआ है, ये मत समझना मैं फ्री खाता लगा हूं, मैं रुपया बड़ा लांदा पिया हूं अपने रोड से, गोंदर रोड से यार, और किते नहीं। तो मैं लाई जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैंने 20 लीटर तेल पुआया हुआ है सिर्फ रोड के लिए। ये देखें यार पीछे से कारा भी लंघदियां पईयां हैं, लाल लाल रंग की, ठीक है, तो ये भी साइड तो लंघदियां पईयां, इनको पता है इधर काम होता पाया है, मुंजी लगती पई है हरी भरी। आप वीडियो को शेयर करें। ओहो माय गॉड, ओ पापा तेरा भला, ये यार गाइस ये देखें यार,
मैं आपको कहंदा ही पिया था कि मुझे नहाना पै जाना, जाके जो भी इधर से लंगता है उसको नहाना पै जाता है छिट्टू की वजह से। तो देखें यार अब मैं भी नहाऊंगा जाके, क्योंकि मेरे ऊपर चिकड़ो चिकड़ पे आ गया है। तो कोई गल नहीं यार, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं आपके नाल हूं। आप मुझे लाइक करी जाए, मुझे शेयर करें, बस देखना फिर मैं, मेरे उत्तू पावे यार ये पूरा चिकड़ क्यों ना पै जाए, मैं फिर भी नहीं नसूंगा। मैं बीच मदान के मुंजी लाऊंगा, जो मर्जी हो जाए, तो नहाऊंगा जाके डोल नाल, और क्या होगा, आप देखें मुझे यार। तो गाइज इसी के साथ यार मैंने तकरीबन 2 के किले ला खड़े हैं, ठीक है। तो अब जो है ना धुप भी बड़ी हो गई है, गोंदर रोड वालों धुप बहुत हो चुकी है, तो मेरी कंड भी सर्दी पई है, ठीक है, भावे मैंने गलासी पाई हुई है। तो अब ऐसा करता हूँ, यहाँ ही काम को छड़ता हूँ मैं, तो कल इंशाल्लाह जो है ना पहले टाइम ठंडे टाइम लाऊंगा। तो आपने पता क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है यार, आप शेयर नहीं कर देवे नाले फैलो, वीडियो को शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर के नाल तीर करने के नाल जो है ना हमारी वीडियो ते नाले रोड बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हो जाए। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो बाकी लाभ ही होगा सारे का, ट्राली भर के मूंजी ला के।